अगर मैं आपको बताऊं कि मैं और आप, हम लोग इन जनरल जितना भी इंटरनेट यूज करते हैं वो इंटरनेट का सिर्फ 3-4% है। 96-97% इंटरनेट का मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि वो साइड इंटरनेट का क्या होता है, और बहुत ही कम लोग हैं जो 96-97% इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। अब आते हैं इस चीज के स्कैरी साइड पे, डार्क वेब। उस 96-97% का 3-4% है जिसको हम डार्क वेब बोलते हैं। अब ऑलमोस्ट जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हैं इमेजिन कर लो, वो सब डार्क वेब पे आपको मिल जाएंगी। टू बी वेरी स्पेसिफिक, उन इलीगल एक्टिविटीज में ड्रग्स, एक्सटॉर्शन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, किसी को मरवाना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, और भी बहुत ज़्यादा स्कैरी चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे, और मेक श्योर आप ये वाली वीडियो एंड तक देखो। और एक और चीज़, अगर आपको नाइटमेयर्स आते हैं या फिर इन जनरल अगर आपको रात को डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है या फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ये वीडियो आप थोड़ी कॉशन के साथ देखो कि हो सकता है इस वाली वीडियो के बाद हो सकता है कि आपके वैसे थॉट्स इंटेंसिफाई हो जाए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्कैरी होने वाली है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले बात करते हैं 96-97% से पहले जो 3-4% है जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में। अभी आप ये वाली वीडियो भी सरफेस वेब पे देख रहे हो, YouTube, Google, ये सब सरफेस वेब है। सरफेस वेब वो होता है जिसको आप सर्च इंजन से एक्सेस कर सकते हो, और सरफेस वेब पे ही आपको लाखों करोड़ों वेबसाइट्स मिल जाएंगी। इमेजिन एनीथिंग, लाइक अगर जो भी आपने अभी तक विजिट किया होगा मोस्ट प्रोबेबली वो सब कुछ सरफेस वेब पे ही होगा। बट हम लोगों ने कहीं ना कहीं डीप वेब भी यूज़ करा हुआ है। हमारे जितने भी पासवर्ड्स होते हैं और भी बहुत सारी जितनी भी लाइक इंफॉर्मेशन होती है वो सब मोस्टली डीप वेब पे स्टोर होती है। डीप वेब सर्च इंजन से हिडन होता है। आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह, किसी की मेडिकल रिकॉर्ड्स या फिर गवर्नमेंट की प्राइवेट इंफॉर्मेशन और किसी कंपनी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ये सब डीप वेब पे स्टोर होता है। और डीप वेब इज नॉट एसेंशियली अ स्कैरी साइड, बट हाँ डीप वेब बहुत ही सिक्योर साइड होता है। लाइक डीप वेब को एक्सेस करने के लिए आपको एक प्रॉपर लिंक, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब चाहिए होता है, जो कि कोई भी रैंडमली बंदा जाके नहीं एक्सेस कर सकता। यू हैव टू नो ऑल दी थिंग्स, उसके बाद ही आप डीप वेब को एक्सेस कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डार्क वेब। डार्क वेब को इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं, और यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट, जैसे हम लोग अभी कुछ भी मंगवाते हो, अगर आप अमेजोन से, पिज्जा हट से, कहीं से भी भाई, तो आप कैश में पे करते हो, क्रेडिट कार्ड में पे करते हो, लेकिन डार्क वेब पे आप सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टोज में पे कर सकते हो, बिटकॉइन वगैरह में पे कर सकते हो, क्योंकि बिटकॉइन ना अनट्रेसेबल होता है, आप इसको ट्रेस नहीं कर सकते इसकी मोड ऑफ पेमेंट को। तो बंदा जो पेमेंट कर रहा है वो भी अनोनमस रहता है। डार्क वेब पे दुनिया भर की इलीगल एक्टिविटीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया, फेक पासपोर्ट से लेकर ड्रग्स, किसी को मरवाना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वगैरह, ऑर्गन्स बेचना खरीदना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, वेपन्स खरीदना इलीगल, लोगों की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह आपको बहुत सस्ते में मिल जाती है। एंड इट इज़ वेरी लाइक स्कैरी टू इवन थिंक अबाउट, क्योंकि लोगों की ना एक्चुअल वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लोग बेच देते हैं ऐसे ही। सोचो कि कोई आपकी आइडेंटिटी पूरी की पूरी बहुत ही कम पैसों में बेच रहा है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो वो डार्क वेब पे हैकर्स को हायर करके किसी भी बंदे के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डार्क वेब विजिट करो, क्योंकि हो सकता है आपकी भी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी चोरी हो जाए। उस पर दुनिया भर के हैकर्स बैठे हुए हैं। अगर आपने सोचो विजिट करा, आपका जितना भी अकाउंट डेटा है, आपने जो जो चीज़ें अपने कंप्यूटर पे रखी हुई हैं, सारा का सारा उस हैकर के पास पहुंच सकता है। यहाँ पर कोई बंदा किसी हैकर को पे करके किसी का इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी हैक वैक करवा सकता है। एंड इट इज़ रियली स्कैरी टू इवन थिंक अबाउट इट। 2001 में ना एक रिसर्च की गई थी, उससे पता चला था कि जो डार्क वेब है ना वो 7500 टेराबाइट्स की उसकी स्टोरेज है, और जो सरफेस वेब जो मैं और आप यूज़ करते हैं उसके सिर्फ 19 टेराबाइट्स की स्टोरेज थी। तो आप सोच सकते हो कि डार्क वेब
कितना ज्यादा बड़ा है। और डार्क वेब पे एक साइट थी सिल्क रोड जिसका नाम था, उस पे इस तरह के दुनिया भर की इलीगल एक्टिविटीज होती थी, ड्रग्स, वेपन्स, फेक पासपोर्ट्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, दुनिया भर की चीजें। FBI जो US की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, 2013 में उसने इस वेबसाइट को सीज किया था और उस टाइम पे ये पता चला था कि सिर्फ इस वेबसाइट की 2 साल में पता है कितनी इनकम थी, 95 लाख बिटकॉइंस, जो कि इंडियन करेंसी मुझे नहीं पता कितना होता है, बट एक बिटकॉइन की वैल्यू ऑलमोस्ट 32 लाख रुपए होती है, 32 लाख इंडियन करेंसी एक बिटकॉइन का होता है, और इस साइट की जो 2 साल की इनकम थी वो 95 लाख बिटकॉइंस थी। तो 95 लाख को अगर आप 32 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने जितने भी पैसे बनते हैं वो इस साइट की इनकम थी। तो अब सोच लो कि क्या चल रहा है दुनिया में। और अब सबसे ज्यादा जो मेस्ड अप चीज है डार्क वेब के बारे में वो है रेड रूम्स। अब रेड रूम्स क्या होते हैं, सोचो कि आपने कोई लाइव स्ट्रीम देखी और उस लाइव स्ट्रीम में ना कोई एक बंदा है जो ऐसी कहीं बंधा हुआ है या फिर कहीं लटका हुआ है, और उसको दूसरा बंदा आके जो भी लोग चैट में लिख रहे हैं अपनी पेमेंट भेज रहे हैं उसके हिसाब से उस बंदे को काट पीट रहा है। लाइक दिस इज वेरी वेरी स्कैरी टू इवन थिंक अबाउट, ये बहुत ज़्यादा स्कैरी चीज़ है। लाइक इट इवन लाइक टुडे इट गिव्स मी चिल्स। मैं इसके बारे में 2012-13 से जानता हूँ, और ऐसा भी भाई होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो रेड रूम की होती है, और भी इसमें बहुत सारी वेबसाइट जो होती हैं वो फेक होती हैं, बट हो सकता है ये रियल भी हो। सोचो कि कोई बंदा कभी किडनैप हुआ और उसको उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, किडनैप होकर कहाँ गया, वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह चली, किसी को कुछ नहीं पता चला, बट हो सकता है कि वो बंदा रेड रूम तक लाया गया हो और रेड रूम पे उस बंदे को जो भी कंप्यूटर के इस साइड बैठे हुए जो बहुत ही हैवानी ख्यालात वाले लोग हैं उनके डिमांड्स के हिसाब से उस बंदे को काट पीट रहे हैं। तो रेड रूम का कंसेप्ट ये है कि एक रूम होता है उसके अंदर एक बंदा जो विक्टिम होता है उसको डाल दिया जाता है, एक कैमरा होता है और एक दूसरा बंदा होता है जो ऑर्डर्स फॉलो करता है, और ऑर्डर देने वाला कौन होता है, कंप्यूटर के इस साइड वाले लोग। लोग चैट करते हैं, चैट्स में लिखते हैं कि इस बंदे के साथ ये करो और उस बंदे के साथ वो होता है, लाइक लिटरली काटना पीटना एंड स्कैरी थिंग्स लाइक दैट। लोग यहाँ से पेमेंट भेजते हैं बिटकॉइन में जिस भी तरीके से, और वहाँ पर उस पेमेंट के आ जाने के बाद उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट होती हैं। किसी ने अगर लिखा कि किसी का बाल काट दो, चलो बाल काटना इज नॉट अ स्कैरी थिंग, मैं बहुत ही लाइट तरीके से बता रहा हूँ, अगर किसी ने लिखा कि इस बंदे का गला काट दो और उस बंदे ने पेमेंट भेजी तो उस बंदे का वहाँ पर गला कट जाएगा। नाउ सी हाउ मेस्ड अप इज ह्यूमंस माइंड, कितना ज़्यादा दिमाग खराब हो चुका है आजकल के टाइम में लोगों का कि ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कितना ज़्यादा लोग का कितना डार्क होते हैं लोग कि वो ऐसी चीज़ें सोचते भी हैं। सो ये है डार्क वेब की दुनिया, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे को नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल बी रियली हैप्पी टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन डार्क वेब। तो या दिस वॉज इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज मैंने बहुत टाइम बाद अपने YouTube चैनल पे वाली वीडियो डाली है, तो मेक श्योर आप लाइक करो, लेट्स एम फॉर 40,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो गाइस। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच अंकुर फैम फॉर ऑलवेज बीइंग बाय माय साइड। मुझे पता है कि मैं बहुत ही कम वीडियोस डालता हूँ, लेकिन अब मैं रेगुलर हो चुका हूँ, ये मेरा पूरा एक प्रॉपर स्टूडियो टूर बन चुका है जो मैं आपका जिसका टूर कुछ टाइम बाद दूंगा आपको। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई गेमिंग चैनल, माई रैंडम ब्लॉगिंग गेमिंग एवरीथिंग चैनल जिसका नाम है अंकुर कश्यप 2.0, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब भी जाके आप उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी रेगुलरली कंटेंट आएगा। मेरा प्रॉपर स्टूडियो बन चुका है, मैं इसी की वेट कर रहा था, अब मैं रेगुलरली कंटेंट डालूंगा। टाइम इज़ वॉट टफ फॉर मी मैन, आपको पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है। सो आई वॉज इन टू लाइक डीप स्टफ, लाइक आई वॉज इन टू डिप्रेशन, आई वॉज इन टू अ लॉट ऑफ स्टफ, लाइक आई वॉज रियली सैड एंड स्टफ, दैट वॉज द रीजन आई वॉज नॉट अपलोडिंग वीडियोज, एंड आई हैव टू बी रियली ट्रू टू यू ऑल, तो इसलिए मैं आपसे ये सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। सो या ये सब चला था लाइफ में भाई, लेकिन अब फाइनली बैक, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक कंटिन्यूसली सपोर्टिंग मी एंड स्टफ गाइज, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच अंकुर फैम, एंड ख्याल रखो अपना, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड मेरे रूम का थीम भी रेडी है, डज इट लुक लाइक अ रेड रूम, आई डोंट नो।
बाय।